सो गाइस वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन लाहौल। लाइक हम यहाँ से 3-4 दिन से ऐसे ही सुबह देख रहे हैं, हमें तो आदत सी हो गई है। सुबह उठते ही सामने स्नो पीक माउंटेन्स दिखते हैं, गोल्डन ऑटम कलर्स, क्लियर ब्लू स्काई। सुबह सुबह ठंड होती है और जब सूरज की रोशनी में जाते हैं तो बस गार्डन में बैठे रहने का मन करता है, इतना मज़ा आता है। वैसे तो 4 वैलीज़ में डिवाइडेड है लाहौल, तो जब हम लाइक ले साइड जाते हैं तो 3 वैलीज़ आ जाती हैं। एक वैली जाती है तांडी से क्रॉस करके उदयपुर और जम्मू साइड जाती है किलर किश्तवाड़, तो हम उस वैली को एक्सप्लोर करेंगे। तांडी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वहाँ पर भागा रिवर और चंद्रा रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है और वो मिलकर चंद्रभागा रिवर बनती है, जिसको कश्मीर में चेनाब भी बोलते हैं। बाकी फन फैक्ट, आप मेरे पीछे जो रेंजेस देख रहे हैं ये पीर पांजाल रेंजेस हैं, एंड इसके जस्ट पीछे अगर आप पूरी पीर पांजाल रेंजेस को क्रॉस करेंगे तो धर्मशाला आ जाएगा। तो इट्स रियली अमेजिंग। पट्टन वैली लाहौल की एकमात्र वैली है जो ले मनाली हाईवे पे नहीं आती। यहाँ एंटर होते ही हमें दो चीज़ें काफ़ी सरप्राइजिंग लगी। एक तो यहाँ की रोड्स जो काफ़ी नैरो, रिस्की एंड ख़राब हालत में थी, और दूसरी यहाँ की ग्रीनरी। ये प्रोबेबली लाहौल का सबसे ग्रीन पार्ट था, और वो भी क्यों ना, ये रास्ता आखिर कश्मीर जो जाता है। सो गाइज वी हैव क्रॉस्ड उदयपुर, एंड उदयपुर क्रॉस करते ही वैली बिल्कुल चेंज हो गई। मियार वैली में एंटर होते ही बिल्कुल नैरो वैली हो गई है, एंड रिवर बहुत नीचे बह रही है मियार रिवर। तो मियार वैली जो है वो एक छोटी सी एस शेप वैली है जो कि जंस्कार और लाहौल को कनेक्ट करती है। एंड अभी तो जैसे व्यूज़ हैं, वी एक्सपेक्टेड टू चेंज कम्प्लीटली, जैसा कि हमने गूगल अर्थ में एक्सप्लोर करा था। तो लेट्स कीप गोइंग। कुछ जगह हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी डिफरेंट निकलती हैं। मियार वैली जाने से पहले हम सोच रहे थे कि वहाँ कुछ कुछ लद्दाख जैसे व्यूज़ दिखेंगे, पर एक्चुअली में ये वैली हमारी इमेजिनेशन से बिल्कुल परे थी। कभी बैरन माउंटेन्स तो कभी डेंस फॉरेस्ट, कभी वाटर क्रॉसिंग्स तो कभी स्मूथ रोड्स। हर कुछ किलोमीटर में व्यूज़ इतने चेंज हो जा रहे थे कि हम सोचने लगे थे हम कम्प्लीटली डिफरेंट वैली में एंटर हो गए हैं। Wow. So guys, हम मियार रिवर के रिवर बेड तक पहुँच गए। यहाँ पर काफ़ी सैंडी सैंडी बीच जैसा बना हुआ है, एंड रिवर का फ्लो बहुत काम हो गया है, बहुत पीसफुल लग रहा है। एंड सबसे अमेजिंग बात है यहाँ की सीनरी जो कि लाइक अल्टीमेट है। लाइक टॉप पे स्नो कैप माउंटेन्स हैं, यहाँ पर ग्रीनरी थोड़ी ज़्यादा है रिलेटिवली। एंड सबसे अमेजिंग बात है कि यहाँ दूर से हम एक बहुत ही टॉल माउंटेन पीक देख पा रहे हैं, जो कि आई थिंक जंस्कार रेंज का पार्ट है, क्योंकि मियार वैली जो है वो जंस्कार और लाहौल को कनेक्ट करती है। तो आई थिंक थोड़ा और आगे जाते तो और बेटर व्यूज़ हो जाते, रोड आई थिंक मतलब बिल्कुल जंस्कार जैसी फील देने लग जाती है, ऐसा बोलते हैं। बट हम अभी तो इतना आगे नहीं जा पाएंगे, तो हमारा मियार वैली का एक्सप्लोरेशन यहीं ख़त्म होता है। इसमें अभी भी लगे हुए हैं एप्पल? हाँ हाँ अभी तो
बिल्कुल अभी तो कलर आ रहा है हमारा, ये अक्टूबर एंड में इसको करते हैं, प्लग करते हैं। अच्छा हाँ, मनाली में तो शायद हो गया ना? मनाली में तो ओवर सितंबर में होता है ना, या दो महीना क्लाइमेटिक हाइट की वजह से देख होता है, अक्टूबर एंड में फिर इसको निकाल देंगे। ये ब्रोकली हो गई है? हाँ ये ब्रोकली हो गई, काट के दोबारा निकला हुआ शूट। अच्छा यहाँ करो फोटोग्राफी इसमें, इसमें बहुत अच्छे कलर है, स्पीड में भी। ये है छोटा सा ऑर्चर्ड हमारा, खालू का मस्त ब्रोकली पकौड़ा। सो गाइज आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट द होम स्टे दैट वी आर स्टेइंग इन। तो जब हम लाहौल में होम स्टे सर्च कर रहे थे, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी कि हम ऐसा होम स्टे देखें जहाँ से बहुत ही शानदार व्यू आए, एंड उसके हिसाब से ये होम स्टे बिल्कुल परफेक्ट है। तांडी के पास एक विलेज है सुमनम, उसमें है, एंड उसमें लाइक थोड़ा सा हमें ड्राइव करके आना पड़ता है 5 to 6 kilometers, तो ये काफ़ी अच्छी हाइट पर है। एंड यहाँ की एक और यूनिक बात है, क्योंकि हाइट के होने के कारण अगर लाहौल में लाइक थोड़ी सी भी स्नोफॉल होती है तो यहाँ पर होती है। तो लास्ट लाइक सेकेंड डे हमारे जब स्नोफॉल हुई थी तो तांडी वगैरह नीचे जो लोअर एरिया थे वहाँ पर नहीं थी, बट यहाँ पर स्नोफॉल हुई थी। इसके अलावा लाइक यहाँ की जो रूम्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, कॉमन रूम्स है, डाइनिंग एरिया है, एंड सबसे अच्छी बात है यहाँ के ओनर जिनकी हॉस्पिटैलिटी सिंपली अमेजिंग है, वो रिटायर्ड हैं, एंड वो उनका पूरा ध्यान सिर्फ हॉस्पिटैलिटी पे रहता है, एंड वो बहुत ही स्वीट एंड वेलकमिंग है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन हैं, नॉर्मल रूम के एंड मड हाउस के भी, तो अगर मड हाउस में रहना है तो वो भी रह सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है जहाँ पर बस बैठ के रोज़ ब्रेकफास्ट करने का लाइक अलग ही मज़ा है। लाहौल वैली में सबसे ज़्यादा मज़ा बस यूं ही चलते रहने में आता है, हर तरफ इतने ब्यूटीफुल नज़ारे होते हैं कि मन करता है ये रोड कभी ख़त्म ही ना हो। जिस्पा के बाद तो वैली अचानक से बड़ी हो जाती है और व्यूज़ बिल्कुल लद्दाख जैसे लगने लगते हैं, मन करता है कि अब वापस क्या लौटे, लद्दाख ही चल लेते हैं। हमारा प्लान था दीपक ताल एंड सूरज ताल तक जाने का, बट लेट होने के कारण हमें दालचा चेकपोस्ट से आगे नहीं जाने दिया गया, तो थोड़ा डिसअपॉइंट होके हमें हमारे होमस्टे वापस लौटना पड़ा। आज का नाश्ता कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। ये तो दम आलू है, दम आलू, ब्रोकली की सब्जी, और इसको क्या बोलते हैं, भटूरा टाइप कुछ है, नाम नहीं पता, लोकल डिश है, एंड दिस इज हलवा अंकल ने बनाया है। सो गाइस आज हमारा लास्ट डे लाहौल वैली में, यहाँ पे मौसम बहुत मस्त हो रहा है, हमारा जाने का मन नहीं है बिल्कुल भी, बट अनफॉर्चुनेटली हमें जाना पड़ेगा।
तो लाहौल स्पीति लद्दाख के पास में है और चंबा वैली के भी पास में है। स्पीति और लद्दाख में बुद्धिज्म डोमिनेटेड है एंड चंबा में हिंदू डोमिनेटेड है, तो दैट्स वाई यहाँ पे दोनों का मिक्स है लाहौल में। तो इसी से रिलेटेड हम एक इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट कवर कर रहे हैं यहाँ पे, त्रिलोकनाथ टेम्पल। इंडिया की डाइवर्सिटी हमें हमेशा फैसिनेट करती है। एक देश में अलग अलग रिलीजन किस तरह को एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसका एक बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल हमें मिला त्रिलोकीनाथ टेम्पल में। तो गाइज़ हमने त्रिलोकनाथ टेम्पल विज़िट कर लिया एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक टेम्पल है। यहाँ पर अंदर बुद्धिस्ट और हिंदूज दोनों एक साथ पूजा करते हैं। तो अंदर एक मार्बल की मूर्ति है, हिंदूज मानते हैं वो शिव जी की मूर्ति है एंड बुद्धिस्ट आई थिंक पद्मसंभव या गौतम बुद्ध वो मानते हैं कि उनकी मूर्ति है। एंड अंदर प्रेयर व्हील्स भी हैं और शिव जी की मूर्ति भी है, तो बहुत ही अमेजिंग था अंदर विज़िट करना। इसकी कहानी लाइक कुछ ऐसी है कि जो यहाँ पर पास में मियार वैली है वो लाइक बुद्धिस्ट डोमिनेटेड है क्योंकि वो जंस्कार से कनेक्टेड है एंड ये यहाँ पर हिंदूज़ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है क्योंकि ये चंबा से कनेक्टेड है। तो ये थोड़े उन दोनों वैलीज़ की मीटिंग पॉइंट के पास है, इस वजह से यहाँ पर दोनों मानते हैं कि अपने अपने की वो मूर्ति किसकी है, दोनों इस मंदिर में एक साथ पूजा करते हैं। प्रीटी अमेजिंग। सो गाइस हमें बहुत टाइम से हम एक स्पॉट ढूंढ रहे थे रिवर तक जाने का, तो गूगल मैप और गूगल अर्थ पे सैटेलाइट इमेज देख देख के हमने एक ढूंढा है। राशिल नाम से एक विलेज आता है, तो उसकी रोड मेन हाईवे से कट होती है, तो ब्रिज से जस्ट पहले एक रोड है जो आई थिंक नीचे तक जा रहा है एंड होपफुली ये रिवर बेड तक जाएगा, थोड़े सैंडी बीच और उस तक। लेट्स सी। वहां तो ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। ऑफ रोडिंग करने आते वैसे ही दिखा अपना, कैसे थोड़ा टाइम पास। अच्छा है। वाओ ये फाइनली हम रेगिस्तान में पहुंच गए। लाहौल में हमारा लास्ट डे और लास्ट इवनिंग। नदी किनारे एक सैंडी बीच, पहाड़ों के पीछे डूबता सूरज और आसपास के ब्यूटीफुल नज़ारों को देखते बिताए कुछ पीसफुल मोमेंट्स। हमारी ट्रिप का इससे ज़्यादा परफेक्ट एंड नहीं हो सकता था। लाहौल वैली में हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया पर बहुत कुछ बाकी भी रह गया, पर वो नेक्स्ट टाइम के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।